So hi guys, you're about to start to watch the second part of this amazing interview with Lakshya Kumar. The first part covered his strategy to prepare for an internship from first year to third year and the actual interview experience and some mistakes he made. This part, however, will cover about work culture, how to get a PPO and what kind of work is carried out at Adobe. So don't forget to check out the first part before moving on to this, the link to which you can find in the description below and in the I section above. So don't forget to check it out before moving on. And I hope you love this interview as well. So uske baad maine hua mera to main ghar mein sabko bataya, everyone was like very happy. Papa the internship to hai 2 mahine mein aa jayega papa. Theek hai. So 2 years later. हाँ next case जो होता है next case बंदा फिर ये सोचता है कि चलो ठीक है प्रोजेक्ट पे तो थोड़ा कम ध्यान देते हैं अब ध्यान देते हैं Adobe में जाके कराएंगे क्या वो तो प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कुछ सीखे क्या करें क्या नहीं फिर मैंने नेटवर्क पे सर्च किया थोड़ा कोरा वरा देखा तो उसमें कि भाई वो इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट ना मशीन लर्निंग बेस्ड बहुत होते हैं जैसे अच्छा। तो मैंने थोड़ी मशीन लर्निंग के कोर्स वगैरह ज्वाइन किए करना शुरू किया उसके बाद तो फिर इंटर्नशिप का टाइम आ गया था तो ज्वाइनिंग के बाद Adobe में मतलब काम था क्या एक्चुअली और वर्क कल्चर कैसा था फिर मतलब किसकी ज्वाइनिंग कर रहे हो आप Adobe Adobe इंटर्न में पहले तो इंटर्न में यार मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कभी इतनी बड़ी जगह पे गया नहीं था इतनी बड़ी कंपनी के अंदर मैं कभी नहीं गया था कैसा होगा क्या है तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में मैं मेरे पापा गए थे सबसे पहले जब बाबा मुझे ड्रॉप करके आए थे तो मैं जब घुसा भी था अंदर तो एक बहुत ग्रैंड फीलिंग थी मतलब इतना बड़ा कैंपस और बहुत पूरी बिल्डिंग मतलब मोस्टली ग्लास की बनी हुई है ना तो बहुत ही प्रीमियम फील आ रही थी कह सकते हैं तो जब मैं अंदर गया और सबसे फनी चीज क्या थी कि मैं ना जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी 21st of May उसी दिन मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था मेरे लास्ट प्रैक्टिकल हम होते हैं लास्ट प्रैक्टिकल था मेरा किसका था आई डोंट रिमेम्बर आई गेस डेटाबेस RDBMS का लास्ट प्रैक्टिकल था तो मैंने कॉलेज में बात की सर मेरी तो उस दिन ज्वाइनिंग है कह रहे कॉलेज कहता कि इंटर्नशिप पहले या कॉलेज पहले मतलब भाई ये तो मानेंगे नहीं फिर मैंने वही HR वगैरह को कॉन्टेक्ट किया था उन्होंने कहा था कोई बात नहीं लेट आ जाना कोई बात नहीं जब मैं लेट घुसा ना तो मैं जब अंदर गया तो मैंने पूछा कि रिसेप्शन पे कि आई मीन न्यू ज्वाइनिंग ऐसे करके शी वॉज लाइक यू आर लेट यार ये कॉर्पोरेट वाला कल्चर आ रहा है तो यू आर लेट पहले से मतलब मैं वो डर गया मतलब कि यार ये जज वज कर रहे हैं क्या ऐसा कुछ तो फिर जब मैं गया अंदर तो मेरी एक्चुअली बात किसी और HR से हुई थी कल्याणी नाम था उनका तो उनसे हुई थी तो उनका ओके आप बैठो ये वगैरह लेट हो गया था 2-3 सेशन मिस कर चुका था बेस्ट थिंग ये था ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था 2-3 दिन तो हमने बस मजे ही किए थे मतलब और सबसे बेस्ट थिंग कि 5-star होटल क्राउन प्लाजा है ग्रेटर नोएडा में उसमें 14 days का स्टे मिला था तो जो दिल्ली रहता हो चेन्नई रहता हो सब ने लिया था स्टे सब ने वहाँ वो एक 14 दिन का जो ना अलग ही वो था अलग ही टाइम था मतलब वेकेशन थी हमारी यस और स्टार्टिंग के मतलब एक हफ्ते से ज्यादा काम भी नहीं था मतलब 3 दिन तो हमने से मस्ती की थी उसके बाद कैसा काम था मतलब किस फील्ड में था या वो सब काम यार जब मैं गया तो मैंने देखा भाई काम क्या होगा वगैरह 2-1 दिन तो मुझे बस टीम के इंट्रोडक्शन वगैरह में बता दिया तो मुझे पहले दिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई गई वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलेटेड थी कुछ डिजाइन बनाने थे कुछ मशीन लर्निंग वगैरह का यूज करके मतलब नॉट मशीन लर्निंग का यूज करना ही ना वो तो बाद में फिगर आउट किया और कुछ डिजाइन बनाने थे कुछ चीजें बिन पैकिंग प्रॉब्लम टाइप कुछ करनी थी इस टाइप का डिजाइन Adobe डिजाइन पे बेस्ड बहुत है मुझे पता ही था तो ऐसा ही कुछ करना था डिजाइन वगैरह क्रिएट करने थे ऑटोमेटेड मशीन के मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू तो हमने फिगर आउट किया मशीन लर्निंग से हुआ ये तो मेरा गेस ठीक था कि Adobe मशीन लर्निंग बेस्ड काम कराती है और एक्चुअली मतलब इंटर्न्स जो होते हैं ना उनको बहुत बढ़िया काम मिलता है उनको काम मिलता है इनोवेटिव मतलब ऐसा कोई काम मिलता है जो उनकी डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम रेवेन्यू तो जनरेट नहीं करेगा बट इन फ्यूचर में भी उनको काम आएगा एक्चुअली जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो R&D पे काफी खर्चा करती है तो R&D के लिए ऐसे ही काम था और मेरे को बहुत पसंद आया वो काम पे मेरे को ऐसा था कि मतलब कुछ न्यू इनोवेट करना है मतलब इस अच्छी का अपॉर्चुनिटी होगी और जब उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी की थी तभी बोला था ऐसा कुछ अभी मार्केट में है नहीं कुछ नहीं है दिस इज टोटली न्यू थिंग वगैरह ऐसा कुछ सोच के भी थोड़ा डर भी लगता था मतलब मार्केट में है ही नहीं तो यार मैं सोल्यूशन कैसे देखूंगा पता कैसे चलेगा मुझे बट ठीक है मतलब बट एक होता है
बट वर्क कल्चर का बात करो तो यार पीपल वहाँ पे ना बहुत ज्यादा एक अलग ही एनवायरनमेंट है. ऑल्दो इंडियंस ही काम कर रहे हैं वहाँ पे. इंडियंस ही अगर आप रस्ते चलते देखोगे तो हल्का सा अगर टच भी किसी को हो जाएगा तो वैसे दिखता है ऐसे. बट वहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिफ्ट में आप ऑन बोर्डिंग के वक्त कुछ कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो दे वर लाइक सॉरी सॉरी अच्छा बिहेवियर प्रोफेशनलिज्म होता है. यस तो एक अलग ही दुनिया थी मतलब कह सकते हो अलग ही दुनिया थी. वहाँ पे पीपल बहुत अच्छे थे मतलब बात बात. और सबसे बड़ी बात की मुझे ऐसा लग रहा था यार मुझे तो प्रोग्राम स्टूडेंट पता चल गए मैनेजर से अब मेरी हेल्प कौन करेगा मतलब क्या करूँ मतलब मैं तो ऐसा था ना कि मैं किसे पूछूंगा तो लोग जज तो नहीं करेंगे. बट कल्चर देख के मैं मतलब बहुत ज्यादा स्टंट था कि मतलब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर बाकी लोग भी एक्साइटेड थे मतलब क्या काम करने वाले हो इस अपने आइडियाज दे रहे थे खुद ही कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो. एक ऑफिशियली बड़ी भी असाइन थे मुझे विपुल अग्रवाल बड़ी भी असाइन थे मुझे तो वो भी उन्होंने भी मेरी हेल्प करी काफी. तो मतलब वही होता ना यार एक जो कॉलेज से आया उसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए और इंडस्ट्री में सीधा उसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए तो वैसे अपने आप से तो नहीं कर पाएगा. उसको एक्चुअली पता नहीं कैसे अप्रोच कैसे करना है प्रॉब्लम को देखना कैसे है कैसे देखना किस नजर से देखना ये सब नहीं पता होता. तो उस सब में उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा जब चीजें होने लगी और फिर मैंने शुरू किया. और बेस्ट थिंग तो ये सबसे ज्यादा जो मैं अप्रिशिएट करूंगा मतलब हम ऐसे थे कि जैसे मुझे छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि यार ऐसे कैसे करेंगे तो आसपास के लोग सब उसे टेबल पर डिस्कस करने आ जाते थे ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं. मतलब यार बढ़िया मतलब ऐसा करता है कि काफी इंटेलिजेंट लोग हैं मतलब मेरे आसपास. तो और मैं तो फिर फाइनली अब पीपीओ किस बेसिस पे मिला मतलब और कैसे तो मतलब ऐसा भी हुआ था एक बार को यार पीपीओ चाहिए नहीं चाहिए वापस प्लेसमेंट में बैठना है क्या पता बेटर हो सके या मतलब था चलो यार मैं एक्चुअली क्या था कि जब मैंने कल्चर देखा था अडोबी का तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे एक्सपेक्टेशन मैंने जैसे बताया कि अडोबी बूढ़ी कंपनी है आती एक दो बंदे लेके जाते हैं वही था तो मुझे लगा था कि आई एम वेरी लकी. तो उसके बाद जब मैंने वर्ल्ड कल्चर देखा अंदर जाके तो मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे काम करा जा सकता है मतलब एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट है. तो मेरा उससे मन किया कि मतलब आई शुड बी वेरी फोकस्ड और मुझे इनके काम अच्छे से करना चाहिए जिसकी वजह से मतलब एक अच्छा कैंडिडेट मैं अपने आप को बता सकूं और मैं एक पीपीओ ले सकूं. और कॉलेज में यार मतलब आई वुड सजेस्ट एक अच्छी कंपनी में प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल जाए उससे बेस्ट कुछ नहीं होता. राइट आपको एक हेड स्टार्ट मिलता है बहुत अच्छा. राइट तो अब मैं इंटर्नशिप को कैसा डिफाइन मैं करता हूँ मैं बोलता हूँ कि मैंने सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है. इंटर्नशिप दो महीने का इंटरव्यू हो गया आपका है ना आपको दो महीने कंपनी जज करती है बेसिकली ये मतलब काम कर सकता है नहीं कर सकता. वो दो घंटे के टेस्ट के मुकाबले ये दो महीना इज एक्चुअली द रियल जज ऑफ हाउ गुड अ प्रोग्रामर और दैट यू आर. राइट यस यस. और एक्चुअली मतलब टेक्निकल स्किल्स के अलावा भी ना बंदे की बिहेवियर वगैरह भी बहुत मतलब मैटर करता है. हाँ मतलब हाउ गुड इज ही मतलब जेल कितना अच्छे से करते हैं बाकी टीम के साथ. हाँ वही वही वही. और एक और चीज मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आई थी इंटर्नशिप के टाइम में बताता हूँ कि यार बंदे काम तो करते थे ऑब्वियसली चिल भी बहुत मारते थे मतलब पार्टीज कर रहे हैं अपना यहाँ घूमने चले गए खाने पीने चले गए मतलब ये चीज मुझे मतलब मुझे बड़ी पसंद आई. मतलब मेरे को पता नहीं ऐसा कुछ होता होगा मतलब तो सब सीरियस होते होंगे यार काम के प्रति. ठीक है काम के प्रति सीरियस थे ही बट यहाँ मतलब चिल विल भी बहुत करते थे. इवन हमारी ग्राउंड में ही हमने एक बड़ा इवेंट भी हुआ था क्रिकेट मैच वगैरह भी ऑर्गेनाइज हुआ था हमारा मतलब सब इंटर्न्स का तो ये सब भी कल्चर अच्छा लगा. मतलब ओवरऑल बोलूँ तो मुझे फन एक्टिविटीज भी काफी है करने को. ठीक है आप काम भी कर रहे हो तो चिल भी कर मार रहे हो काम भी कर रहे हो तो इससे बेटर तो एक वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन हो रहा है. फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्टेड योर इंटर्न एट Adobe ठीक है तो उस बात को अब दो ढाई साल हो गए तो उस टाइम से लेके अब तक वर्क कल्चर में कुछ डिफरेंस आया है बाकी अगर जो भी न्यू ज्वाइनर्स होते हैं उन सब के लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है या कुछ जो आपको लगता है कि ये कंपनी में चेंज हुआ है तो व्हाट इज द डिफरेंस इन वर्क कल्चर और अभी करंट वर्क कल्चर कैसा है. ओवर द ईयर वर्क कल्चर जब जब इंटर्नशिप के टाइम बताऊँ तो इंटर्नशिप के टाइम आई वॉज वेरी आइसोलेटेड मीन्स जो मेरा वर्क था वो एक इंडिपेंडेंट वर्क था बेसिकली. इट वॉज नॉट कि तीन चार लोग या एक टीम काम कर रही है इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो मुझे इंटरेक्शन होती थी लोगों से मैं करता था इंटरेक्ट बट मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आई डिडंट नो उस टाइम की भाई किस
ये टीम किस एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट वेब बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में, ये सब नहीं पता था। बट जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे जिन प्रोडक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, जब आप फुल टाइम ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसे चीजों पे काम करने को मिलता है एक्चुअली कंपनी का रेवेन्यू सोर्स है, राइट? तो एक्चुअली है तो ऑब्वियसली एक बिजनेस ना। R&D लोग करते हैं किसके लिए, रिसर्च अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट, न्यू वैल्यूज मार्केट को डिलीवर करने के लिए, राइट? तो एक बेसिक जो कंपनी का एग्जिस्टिंग रेवेन्यू मॉडल है उस पर तो काम करने को मिलता है, तो एक्चुअली उस पर काम करने को तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ मतलब आप कुछ इनोवेटिव भी काम कर सकते हो। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को ऐसी फीलिंग थी कि मतलब ठीक है कुछ नया मिलेगा करने को, बट वो ये था कि नॉर्मली एक जो हमारी टीम का जो प्रोडक्ट है उसी पे काम करने को मिला। वो प्रोडक्ट को सीखते 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 ही साथ में एक्चुअली ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक कल्चर जो कि बहुत अच्छा है कि आप जिस पे काम कर रहे हो, जो ऑफिशियली जो वर्क है आपका, ऑफिशियली वर्क के अलावा भी आप एक्चुअली कुछ और भी वर्क कर सकते हो। लाइक आप किसी इंटर्न के प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर्क कर सकते हो, राइट? या फिर आप अपने ही कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता सकते हो कि मैं ऐसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने भी अपना जो मेन स्ट्रीम वर्क चल रहा है उसके अलावा भी चीज़ों पर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, ऑल्दो वो चीज़ें मतलब फेल हो गई, नहीं हुई, ठीक है, बट एक्चुअली ऐसे R&D करने से ना चीज़ों को आपको और अच्छे समझ मिलती है चीज़ों पर। और जो इंटर्न्स आते हैं उनका तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है एकदम, तो उन पर तो काम करने में अलग ही पन आता है। तो जैसा आपने बोला कि इंटर्न में मतलब इतनी वो था कि आउटगोइंग पार्टीज वगैरह भी हो रही थी एंड ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वर्क कल्चर में अच्छा बैलेंस रहता था और मतलब मज़ा आता था काम करने में क्योंकि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो गई ना सारी। तो अब ये सब तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो रहा होगा ड्यू टू लॉकडाउन, तो अब कोरोना के टाइम पे वर्क कल्चर कैसा है, मतलब हाउ आर दीज एक्टिविटीज बीइंग हेल्ड इन ड्यूरिंग ऑनलाइन एंड वर्क फ्रॉम होम? एक्चुअली मैं बताऊँ तो कोरोना का एक्सपीरियंस किसी कंपनी के लिए एक्चुअली एकदम ही न्यू एक्सपीरियंस था, कभी किसी ने फेस ही नहीं किया था ये, राइट? कंपनी कभी इस इंटेंट से बनी भी नहीं थी, ऐसा कोई वर्क भी नहीं था कि हम एक फुली रिमोट वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, कभी ऐसा कोई यूज केस ही नहीं। बट जब हम शिफ्ट हुए इस पे तो दैट शिफ्ट वाज लाइक मतलब मन में तो लगता था यार ठीक है ट्रैवल टाइम बचेगा, हम मस्त घर पे बैठेंगे कभी कभी चले जाए करेंगे, ऐसा था शुरू में तो ऐसी फ्लेक्सिबल शुरू हुआ। बट जब एक्चुअली पूरा लॉकडाउन लग गया तो हमने देखा कि जो वर्क लोड था वो थोड़ा बढ़ गया था, बड़े से गया कि एक्चुअली कुछ था नहीं करने को, पूरे दिन बना ठीक है ये वो, बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते तो मैनेजर भी वहीं पे ही है, सब कुछ वहीं पे, तो वर्कलोड शुरू में बढ़ गया। शुरू में ऐसा हुआ कि वर्क ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मतलब पूरे दिन बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा कब उठना है, खाना कब खा रहे हैं, क्या ऐसे करके सीधे चीज़ें थोड़ी सेटल होने में एक्चुअली टाइम लगा, सबको ही लगा बेसिकली। अब फिर धीरे धीरे जब चीज़ें थोड़े से सेटल हो गई कि हाँ यार अब तो ऐसे ही रहना है, ऐसे ही काम करना है, तो फिर थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना शुरू किया चीज़ों को, ठीक है इतने बजे उठना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो पर्सनल लेवल पे तो ये थोड़ा चेंज आया था कि एक्चुअली शुरू में ज़्यादा ही हो गया था कि मतलब ओवर वर्क हो रहा था, और उसके बाद थोड़ा सा मैनेज कर लिया। और कंपनी ऐसे कंपनी अपनी तरफ से मैं बताऊँ तो कंपनी अपनी तरफ से काफ़ी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी अपनी तरफ से मेहनत कर रही थी कि लोगों को जो है इस न्यू कल्चर में वो ढंग से एडजस्ट करा सके। तो उसमें वो क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो कुछ मैं फॉक्स बताया था कि नॉर्मली कि आप घर पे टेबल्स वगैरह, जैसे लोग कई लोगों के घर पे, जैसा मैं ऑफिस में जाता हूँ ऑफिस में देवाज वेरी एर्गोनॉमिकल टेबल एर्गोनॉमिकल चेयर भी थी, तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल मतलब वर्किंग देयर कि आप दो तीन चार घंटे भी अगर बैठे हो तो आपके कुछ पेन वेन होगा नहीं, आप बढ़िया से कर। अब घरों में तो फैसिलिटी लोगों के वैसे भी नहीं होती सब, मतलब बेड बेड पर बैठ के काम कर रहे हैं ये वो, तो फिर इसके लिए Adobe ने फंड दिया कि मतलब आप घर पे ये चीज़ें मंगा लो, अपना मिनी ऑफिस सेटअप कर लो। तो इस सब के लिए तो ये मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया था, तो अपने भी मंगाया, मॉनिटर वगैरह लिया और सब चीज़ें मतलब तो पूरा सेटअप किया। तो एक्चुअली पता तो था नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा, तो फिर ये चीज़ें सेटअप करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद कंपनी अपनी तरफ से भी काफ़ी सेशंस वगैरह रखती रहती थी कि कैसे एक्चुअली स्लीप मैनेज करनी है, मेंटल हेल्थ वगैरह, है ना, मेंटल हेल्थ वगैरह, मतलब ये मैं बोलूंगा कि एम्प्लॉय सेंट्रिक काफ़ी कंपनी बोलूंगा मैं, एम्प्लॉय सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत केयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ की। तो बीच में थोड़े सेशंस होते रहते थे, कुछ फन एक्टिविटीज में बोलूँ तो कुछ कॉमेडी सेशंस, जैसे कोई बड़े बड़े कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उनको बुला लिया, थोड़ा सेशन हो गया। ऑल्दो मैं ज़्यादा उनको ज्वाइन करता नहीं, यूट्यूब पर देख लेंगे,
तो ना तो ये सब भी होता रहता था, और कुछ ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह चलते रहते थे, फोटोज वगैरह भेजो, वीडियो भेजो, एथनिक में ड्रेस पहन के, ज्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं करता था, बट हाँ जो लोग करते हैं उनको फन लग करते ही है, फन लगता ही होगा, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है यार। और उसके अलावा उसके बाद तो फिर अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि 1 साल हो गया है, पूरा तो साल हो गया। 1 साल अब पूरा 1 साल हो गया है, तो अब तो मतलब काम टाइम काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो अब क्या लगता है कि वर्क फ्रॉम होम बेटर है या फिर ऑफिस वाला वो बेटर? यार मैं बोलूँ मुझे पर्सनली स्पीकिंग, मतलब लोगों का अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे, बट आई पर्सनली फील कि ऑफिस कल्चर इज फार बेटर। वर्क घर पे क्या है, ऑफिस में आपको एनवायरमेंट मिलता है, बेसिकली जिस एनवायरमेंट की मैंने अभी बात भी की थी कि इफ यू गो देयर एंड ट्राई टू डिस्कस समथिंग, तो आप आसपास के भी लोग आ जाएंगे कि मतलब क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या अपने अपने व्यू पॉइंट देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप स्लैक पे या एमएस टीम्स पे बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, देख रहे हो बंदा सामने वाला अवेलेबल है कि नहीं, फिर एक मीटिंग सेट हो रही है, थोड़ा ऑफिशियल ज्यादा हो गया, ठीक है। अनऑफिशियल चीजें कम हो रही है, फॉर्मल ज्यादा हो गया चीजें वहां पे, ये सब चीज। अब ये सब चीज मैं पर्सनली काफी मिस करता हूँ, मतलब जो गॉसिप्स होती हैं, जैसे मतलब ऐसी गॉसिप करते करते कुछ ना कुछ कॉफी पीते पीते कुछ कुछ डिस्कस कर रहे हैं चीजों पे, कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम स्टेट डिस्कस कर रहा है तो उस पर कुछ कुछ कर रहे हैं, इधर उधर के क्रिकेट मैच डिस्कस करने लग जाते थे इस दिन, हाँ है ना। तो ये सब चीजें मैं पर्सनली काफी मिस करता हूँ, और जो वहां पर मीटिंग मीटिंग करते थे उसका एक्सपीरियंस अलग अलग होता था, यहाँ पे रिमोटली करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, और घर के एनवायरमेंट में बैठे हो तो घर के एनवायरनमेंट तो वैसे ही किसी का बंदा, बच्चा रो रहा है, किसी की कुछ घर में लड़ाई चल रही है, वो सब। हाँ मैं इंटरनेट नहीं चल रहा कुछ हाँ बड़ी मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो मतलब मुझे पर्सनली वही पसंद है। और सबसे बेस्ट मेरी आदत थी, मुझे पर्सनली टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद है, हाँ तो मेरा सोचा था 6 बजे जाना है नेट, नीचे जाके टेबल टेनिस खेलना है। तो अब ये भी मैं बहुत मिस करता हूँ, मतलब ऐसे ही वहां अब पे तो क्या ही कैंपस में सबसे बेस्ट। वॉलीबॉल वगैरह, कभी बैडमिंटन, वॉलीबॉल तो वॉलबॉल। हम बहुत खेलते थे, हाँ वॉलीबॉल तो बहुत खेलते थे, मतलब एक कई बार तो ऐसा हो जाता था कि मतलब आधे घंटे खेलेंगे बस ये सोच के आते थे, 1 घंटा पूरा 1.5 घंटा पूरा लगा दिया, तो ऐसा हो जाता था कई बार। तो मैं पर्सनली बहुत मिस करता हूँ ऑफिस, ऑफिस कल्चर इज फार बेटर अकॉर्डिंग टू मी। तो बस आज मतलब एक फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा। अभी इस सब में अडोबी वगैरह में अच्छी जॉब, स्टेबल लाइफ, तो इस सब में ये खुराफाती सा आइडिया कोडर्स ट्रैक यूट्यूब चैनल, ये कैसे आया कि फिर यार अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इसमें ट्रैकिंग वगैरह व्लॉग्स करेंगे, तो ये आइडिया यार कैसे आया? बेसिकली मैं बताता हूँ, मुझे बहुत पसंद है घूमना, ठीक है, ऑडोफाइल हूँ मैं बहुत बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं लॉकडाउन में मतलब बहुत ज्यादा स्टॉप था, मतलब कि यार घर घर पे ही बैठे। बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, ज्यादा से ज्यादा छत पे घूम लो, टेरेस पे घूम रहे हैं, क्या ही हो रहा है उसके बाद ना। तो घूमने उमने का मैं एक्चुअली जॉब ज्वाइन करने के बाद 2-3 ट्रिप तो कर ही ली थी, और ऑफिस में भी बहुत ट्रिप्स होती रहती थी हमारी टीम आस पास, यार कहीं घूमने चले घूमने चले, 15 दिन काम कर ले घूमने चले, ये चलता रहता था। तो ये सब मैं बहुत मिस कर रहा था, तो और काम किस चला रहा था, ये वीडियोस वगैरह देख के, लोगों के व्लॉग देख रहे हैं जी, तो कुछ लोग तो शायद उस टाइम भी जा रहे थे लॉकडाउन में ना, वो तो सूडो हमारे घर वाले मिस कर, सेटिस्फेक्शन ना कि हम नहीं कर रहे, चलो कोई तो कर रहा है, उसी को देख लो। हाँ छोटे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं बस, हाँ ठीक, वो पहाड़ ऐसे दिखते हैं वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, यही सब है। तो जब थोड़ा लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो मैंने थोड़ा घर वालों को मनाया, उन्हें लगा कि यार कहीं घूमने घूमने जाना चाहिए, तो अभी आइडिया आया कि यार घूमने जाएंगे, तो अब जिन जिन जैसे वो जहाँ से सूडो सेटिस्फेक्शन लिए है हम भी लोगों को देंगे। तो फिर शुरू किया, मैं सोचा कि चलो यार एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, और हाँ से पहले ट्रिप करी मसूरी, उसके बाद तो अभी मौका मिला नहीं है, अब दोबारा जाऊंगा, हाँ हाँ देखते हैं काफ़ी सही है। ये। एंड चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया मैंने, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट लक्ष्य चैनल एज वेल। तो लव बाबर के साथ घूमते हैं भैया। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस अमेजिंग सेशन, एंड इट वॉज वेरी लाइट हार्टेड एंड वेरी कैंडिड। सो आई होप कि जो भी को देख रहा है उनको इन्फॉर्मेटिव भी लगा ही होगा एंड फन भी। तो कुछ अगर क्लोजिंग वर्ड्स हैं आपकी तरफ से तो प्लीज, वरना वी कैन एंड द इंटरव्यू है। तो एंड में यार मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, मतलब मोस्टली आई आई होप कि मोस्टली बंदे जो हैं कॉलेज वाले बच्चे जो एस्पिरेंट्स है वही देख रहे होंगे, तो यही कहूंगा यार मैं कि कोड तो करते रहो, कोडिंग पे मोर फोकस करो। पर हाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जो बच्चे हैं ना अपने फंडामेंटल्स पे कम ध्यान दे रहे हैं,
वो क्या करते हैं, फंडामेंटल्स थोड़े बहुत करते हैं फिर मूव कर जाते हैं, चलो मशीन लर्निंग करते हैं, चलो एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, चलो वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो यार ये बिल्कुल मत करो, मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जो कंपनी में रिक्रूटर्स बैठे हैं वो आपके फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा चेक करते हैं, इसलिए फंडामेंटल्स में हमेशा ज्यादा फोकस होता है। ये सब जो वेब डेवलपमेंट और ये सब है, ये तो फैंसी नाम है, ये सब फंडामेंटल्स के ऊपर ही बिल्ड हो रखे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है? जब फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाए एक लेवल पे, उसके बाद इन चीजों फैंसी चीजों को करो। तो थैंक यू अगेन, कंपनी एक्चुअली फंडामेंटल्स की वैल्यू करती है। सो थैंक यू अगेन फॉर दैट, फॉर दोस वर्ड्स ऑफ विजडम। आई होप डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा जो अपना वेब डेवलप छोड़ के वापस सीपी पे आएगा। थैंक यू अगेन। नहीं नहीं, कि वो सोचेगा यार वेब डी में तो काफी आगे बढ़ गया हूँ यार, बट मुझे अभी भी क्वेश्चंस तो डीपी नहीं आती, डीपी कर लेता हूँ। आरडीपी तो छोड़ेगा वेब डी नहीं, आरडीपी पहले 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 डीपी कर लो। हाँ तो पहले डीपी कर लो। हाँ तो चलो, थैंक यू एंड आई होप दैट यू लाइक दिस इंटरव्यू, एंड इफ यस डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट बिलो व्हाट अदर थिंग्स कैन आई कवर फॉर अपकमिंग सेशंस, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद इंटरव्यू सो फार, and what else do you want to hear? So thank you for joining in, and keep learning and keep coding.